देख रहे हैं इंडार राजकुमार के साथ इंडार की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में गायबेड़ा ग्राम के 5 ग्रामवासी अचानक ही किसी अज्ञात बीमारी का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए। जब गांव वालों को मौत का कारण समझ में नहीं आया तो वो घबराकर वहीं के एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने मौत का कारण गांव के ऊपर एक भूत का साया होने का दावा किया और यह भी बताया कि वह भूत और भी लोगों को मार सकता है। तभी गांव वालों के कहने पर तांत्रिक ने उस भूत को भगाने की एक योजना बनाई और तांत्रिक ने कहा कि जो भी आदमी इस गांव में नया है वो तुरंत ही गांव छोड़कर चला जाए और सिर्फ गांव के ही लोग यहां पर रहें। और यह भी कहा कि यहां के रहवासी ही इस हवन पूजा पाठ में हिस्सा ले सकते हैं, तभी पूरा गांव उस भूत से मुक्त हो पाएगा। तांत्रिक के कहे अनुसार सभी गांव वालों ने पूजा पाठ का आयोजन किया और उस भूत को शांत किया गया। इसी दौरान वो तांत्रिक बनावटी वेशभूषा बनाकर भूत भगाने का प्रयत्न करता रहा और अंत में जाकर जब उसने काफी धन कमा लिया तो उसने गांव वालों को यकीन दिलाया कि पूरा गांव भूत साए से मुक्त हो चुका है। दोस्तों आमतौर पर देखा गया है कि इंसान जिस चीज को समझ नहीं पाता है उसे या तो वो देवता मान लेता है या फिर भूत प्रेत का नाम दे देता है और इसी अज्ञानता का फायदा कुछ लोग उठाते हैं और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके पैसा कमाने की राह खोजते हैं। दोस्तों आज के शिक्षित समाज में भूत प्रेत का साया पड़ने जैसी बातों पर विश्वास करना किस हद तक उचित है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।